नमस्कार किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे गोभी में लगने वाले डायमंड बैक मौत पतंगे की पहचान और रोकथाम की। इस कीट की पहचान कैसे करें? मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ऊपर एक बेल आइकन दिख रहा है, अगर आप उसे दबाएंगे तो हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। मादा पत्तियों की निचली सतह पर अकेले अकेले 50 से 60 छोटे सफ़ेद अंडे देती हैं। इल्ली या सुंडिया हरे रंग की होती हैं तथा उनके शरीर पर छोटे पतले से बाल होते हैं। पूर्ण विकसित इल्ली 1 से 1.5 सेंटीमीटर लंबी होती है। कोकून या विश्राम अवस्था में रेशमी रंग में पत्तियों के साथ जुड़ा होता है। पतंगे पंख वाले भूरे रंग के होते हैं, जिनमें प्रत्येक अग्रभाग के भीतर किनारे पर हल्के सफ़ेद त्रिकोणीय से चिन्ह होते हैं। नुकसान के लक्षण इस प्रकार होते हैं। इल्ली या सुंडिया पत्तियों की निचली सतह पर भोजन करती हैं और पत्तियों में छेद करके गंभीर नुकसान पहुँचाती हैं। प्रभावित पत्तियाँ मुरझाने लग जाती हैं। पत्तों के सख्त भाग को छोड़कर बाकी सारा भाग इल्लियों द्वारा खा लिया जाता है। इसका नियंत्रण कैसे करें? नियंत्रण के लिए कीट के शुरुआती प्रकोप को जानने के लिए खेत में फेरोमोन ट्रैप जरूर लगाएं। जैविक नियंत्रण के लिए एंटोमो पथोजेनिक फफूद या न्यूक्लियर पॉलीहाइड्रोसिस वायरस या बेसिलस थुरिंजियसिस जैसे उत्पादों का बदल बदल कर छिड़काव करें। रासायनिक नियंत्रण के लिए क्लोरेंट्रोनिपोल 18.5% SC की 0.4 ml मात्रा प्रति लीटर पानी या स्पिनोसेट की 60 ml मात्रा प्रति एकड़ के हिसाब से छिड़काव कीजिए। इस तरह की कोई भी जानकारी या कोई भी कहानी आपसे ना छूटे, उसके लिए आप हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। YouTube चैनल सब्सक्राइब करने के लिए ऊपर जो बेल आइकन दिख रहा है, आप उसे दबा सकते हैं। धन्यवाद।